छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुराने ट्वीट के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए उन पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 2018 में पीसीसी अध्यक्ष रहते हुए भूपेश बघेल ने चुनावी घोषणा पत्र को लेकर एक ट्वीट किया था। ट्वीट में लिखा गया था कि सरकार आने पर बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। और उनके उसी पुराने ट्वीट पर अब रमन सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि चुनाव से पहले भूपेश बघेल के पास ये सब था, जैसे कि झीरम घाटी के सबूत, रोजगार के ब्लूप्रिंट, शराबबंदी के लिए योजना और रोजगार भत्ते के लिए पैसे और 2500 समर्थन मूल्य के पैसे। मगर जब से भूपेश बघेल सरकार आई है तब से इनमें से कुछ भी अभी उनके पास नहीं है। सार्वजनिक रूप से कहा था कि झीरम के सबूत उसके पास है, नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने का ब्लूप्रिंट उसके पास है। उन्होंने ये भी कहा था कि शराबबंदी कैसे की जा सकती है, इसका पूरा का पूरा रोड मैप उन्होंने बनाकर रखा है। 2500 रुपया नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता कैसे देंगे उसकी कार्य योजना उनके पास है। 2500 रुपया धान की कीमत कैसे देंगे उसके लिए योजना उनके पास है।